जलाने को लेकर सख्त हुई हरियाणा की सरकार के खिलाफ एक तरफ जहां किसानों ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं विपक्षी दलों के नेता भी सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में आज अंबाला पहुंचे नवनियुक्त राज्य मंत्री राजेश नागर ने खुलकर बता दिया कि सरकार इतना सख्त फैसला क्यों ले रही है। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतने का आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, इसलिए हरियाणा सरकार की ओर से सख्ती बरती जा रही है ताकि किसान खेतों में पराली ना जलाए। सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हरियाणा सरकार जो है वो पराली जलाने को लेकर सख्ती बरत रही है, उसके ऊपर भूपेंद्र हुड्डा का और सुरजेवाला का बयान आया है कि अगर किसानों के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई हुई तो जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है, उनका जो भी निर्णय आएगा वो सबको मान्य होता है। इसमें तो ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उच्च न्यायालय कोई न्यायालय नहीं है, जो भी उनके आदेश होंगे उनका पालन किया जाएगा। दरअसल सर्दियां नजदीक आते ही पराली जलाने का मुद्दा भी गर्म हो जाता है, क्योंकि धान की पराली जलाने से हवा में प्रदूषण फैलने लगता है और हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली जलाने वालों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर अब हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने वाले किसानों पर FIR दर्ज करने और 2 सालों तक MSP पर उनकी फसल खरीद पर बैन लगाने का फरमान जारी किया गया है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।